कौन है प्रदीप रावत? क्या रोल था अश्वत्थामा का गजनी में? क्या बदला जा रहा है गजनी 2 का विलेन? दोस्तों आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में और मैं हूं आपकी होस्ट प्रतीक्षा। बी आर चोपड़ा की महाभारत से कई सितारों ने अपना डेब्यू किया था, फिर चाहे वो राज बब्बर हो या वो वर्षा उसगांवकर, सभी ने इस सीरियल के जरिए अपने करियर में खूब नाम कमाया था। लेकिन एक ऐसा भी कलाकार है जिसने इस सीरियल में काम भी किया, बड़ा किरदार भी निभाया और तो और फिल्मों में भी दिखे, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रदीप रावत की, जो बी आर चोपड़ा की महाभारत में अश्वत्थामा बने थे। जी हाँ, प्रदीप रावत ने महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का रोल प्ले किया था। सीरियल में उनका काम इतना बेहतरीन था कि हर किसी ने उनकी खूब तारीफ की थी। महाभारत की कहानी जब भी सुनाई जाती है अश्वत्थामा के बिना पूरी नहीं हो सकती। इस किरदार को प्रदीप रावत ने छोटे पर्दे पर जीवित कर दिया था। इस बेहतरीन अभिनय के बाद प्रदीप रावत ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि प्रदीप रावत को साल 2008 में आई फिल्म गजनी से जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। इस फिल्म में वैसे तो आमिर खान हीरो थे, लेकिन मेन विलन के तौर पर प्रदीप रावत नजर आए थे। फिल्म में वो गजनी बने थे और उनके किरदार ने हर किसी में खौफ पैदा कर दिया था। फिल्म लगान में भी प्रदीप रावत ने अहम किरदार निभाए थे। कहने को तो फिल्म लगान आमिर खान के कंधों पर टिकी थी, लेकिन इस फिल्म में वो आर्टिस्ट के तौर पर प्रदीप रावत ने उम्दा काम किया था। लगान में प्रदीप रावत ने देवा सिंह का किरदार निभाया था। इसके बाद प्रदीप रावत ने साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। उन्होंने साल 2004 में फिल्म साई के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट विलन अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने उसी फिल्म के लिए 2 और अवार्ड अपने नाम किए। लेकिन अब गजनी 2 की बातों और चर्चाओं में कहीं भी प्रदीप का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार पार्ट 1 की तरह एक विलन भी डबल ताकतवर होना चाहिए। गजनी 2 के लिए विलन को ढूंढने का काम डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर ने शुरू कर दिया है। लेकिन अब कौन होगा गजनी 2 का विलन? इस पर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोल टेस्ट कराया था और सबसे ज्यादा वोट इसमें सिंघम के विलन प्रकाश राज को मिले। बता दें कि प्रकाश का नाम खुद मेकर्स ने रेकमेंड किया था, जिसमें इन्हें 95% वोट मिले, तो वहीं सोनू सूद के नाम को सिर्फ 5% वोट से मिले, जिसमें ना तो प्रदीप का नाम था और ना ही शायद मेकर्स भी ये चाहते थे कि इस बार भी प्रदीप गजनी 2 में दिखे। ये सब इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्रदीप रावत आजकल इतने एक्टिव नहीं है जितने कि प्रकाश और सोनू सूद। वही वजह है कि मेकर्स फिल्म में किसी ट्रेंडिंग विलन को ही लेना चाहते हैं। दोस्तों अब आप ही बताइए कि इस फिल्म के विलन के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट तो काफी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे लेटेस्ट फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।